बिटिया स्कूल से लाओ बस्ता धई दे चलो गोर हाथ धो खाओ चले। दाल भात बनाया है सब्जी भात नहीं दाल सब्जी भात बनाए हैं नहीं हम ना हम दाल भात खाबे केस का दिया क्या है सब्जी भात खा ले बिटिया नहीं ना दाल भात नहीं हम ना। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहनी। काहे मुन्नी रसियान बैठी बा मुन्नी बैठी यहाँ रिसियान दाल भात मांगा था सब्जी भात बनाए न कहा हम दाले भात खा सब्जी खावे न करब तो दाल नहीं बनाए थोड़ा गदा रखता है बना दिए जब भैये नहीं बहनी तो कहाँ से बनाए दे दलिया नहीं बा बोए तो रहे खतो हम बोए रहे हैं दस बिस्सा मसूर बोए रहे हैं आधी जामी आधी नहीं जामी और जो जम्बो भ जो फुटो के दो चार किलो है तो कई रोज गिताए। दीदी कहनी मेयर बहुत हुआ आप मसूरी की जो आपके पैदा नहीं होता किलो है दो किलो हुआ था और दस बिस्सा में तो अरे बहुत मसूरी हुए रहा है वैसे जताए के बहनी वैसे छिट्टा बहाए के वैसे मरवाए दे। अच्छा हमारा मसूरिया ना देखे रहे ना तब की दाई हमें दो बढ़िया मसूरी वही बताने दस बिस्सा खेते में भाई और आज चलो हम आपके नी हम फिर बोवाई जाए मसूरी सीजन अब आएगी ना अब बोई जे तो अपन खेत परती ना छोड़ो बुआ के तैयार तैयार हो जाओ चलो आज हम बीज शोधन करे जाये थे और जो मतलब तरीके से बोए थे पूरी प्रक्रिया हम सिखाई दूंगा। ठीक है बहनी बता देते तो हम ऐसे बोए थे तो अरे क्या माई रहे का मिलिया आना यही मारे हम क्या मिलिया लाई तो बीज शोधन करी तो यहाँ तो जाने तोरे मसूरी ना ही पैदा भाई। ठीक है बहनी लाओ बहनी नीलम मेटकवा आना आये है मेटकवा दे इनका लियो बहनी मेटकवा चलो हम का सिखाए दियो मसूरी बोए का। हाँ चलो हम जरूर सिखाओगे चलो पूरी प्रक्रिया कैसे कैसे काम करा जाते हैं दिखाई हम आपको कैसे। आओ भी शोधन करे में कुछ सामान लागत है जो उनका हम आपका दिखावे जाये थे। ठीक है मैंने दिखा दिया। देखो दीदी एक ढक्कनदार मिट्टी का बर्तन लागे। अच्छा एक जोड़ी दस्ताना लागे। ठीक है दीदी ये 500 ग्राम गुड़ लागे। सोलह किलो मतलब मसूर के बीज लागत थे। ठीक ट्राई को डरमा लागत थे। हाँ राइजोबियम कल्चर लागत थे। ठीक एक जूट का बोरा लागत थे। हाँ इतना सामान पूरा लागत है बीज शोधन करे में। अच्छा दीदी जितना हम सामान दिखान है वो सभी एक एकड़ के लिए है। अच्छा। लेकिन हमारे खेत कम है इसलिए हम थोड़े सामान दिखान है। ठीक जो मात्रा बताने हुए एक एकड़ के रहा लेकिन सामान हम आपका कम दिखान है। ठीक क्योंकि हमका एक बीघा बवाई करे है। अच्छा बहनी एक नवा हम भुला गए लेकिन हमको आपसे बता दियो। अच्छा दीदी ट्राइकोडर्मा लागे। हाँ राइजोबियम कल्चर लागे। हाँ गुड़ दस्ताना। हाँ मसूर के बीज पानी। हाँ जूट का बोरा। हाँ और मटका। ठीक इतना सामान सब एक एकड़ खेत के ताई लागत है। अच्छा पहले सामान तो बता दी हो अब एक बीज शोधन करके बता दियो। हाँ दीदी हम आपका बीज शोधन करे का जरूर बताओ लेकिन ये जो गुड़ है ना इनका हाँ। सबसे पहले एक गरम कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए तो बीज शोधन करा दे। ठीक है तो इनका जैसे हम गरम कर लाए देखो अब बर गए ऐसे अब थोड़ा पानी मिलावा दे। हाँ। ताकि गाढ़ा रहा ज्यादा नहीं मिलावा जाते। ठीक अब इनका ऐसे गरम करा दे। देखो दीदी एकदम गाढ़ होएगा ना। हाँ। अब हमारा जलाव तैयार है अभी का हम ठंडा करेक्टा रख दे जब एकदम सरा जाए तब भाई बीएम डारा जाए। ठीक दे 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 इसे सरा जाए। देखो दीदी सबसे पहले गुड़ के घोल 125 ग्राम हम बना लिए। अच्छा अब माँ 80 ग्राम राइजोबियम कल्चर लागे। ठीक एक चम्मच में 4 ग्राम आवत है ये लिए हम डाल लेते हैं। दीदी अभी 80 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिल गया है खूब अच्छे से मिला लीजिए। हाँ।
मिल गया ना। अब मटका लेंगे, इसमें 4 किलो मसूर के बीज ना आ जाए। अभी हम राजो भी हम कल्चर जोन मिलावा है गुड़ का घोल पूरा डाल देंगे। अब दीदी ऐसे ढक्कन बंद कर लीजिए, इका खूब अच्छे से हिला के मिला लीजिए, इतना मिला जाए कि एक परत राजो भी हम कल्चर बीज पर चढ़ जाए। देखो दीदी अच्छे देखो अच्छे से मिल गया ना राजो भी हम कल्चर। हाँ बहनी बढ़िया मिल गया। देखो दीदी अभी का 10 से 12 घंटा छाए में फैला दीजिए सुखा के ताई है। अच्छा भाई हमारा राजू भी हम कल्चर का ताई मिलाई जा जोन मसूर के दाल का मसूर के जड़ का ही विकसित करत है। अच्छा और वायुमंडल से नाइट्रोजन खींच के मिट्टी में स्थापित करत है। अब दीदी हम इका यही 6-10 स्थान पे 10-12 घंटे के लिए छोड़ दी बा। चलो चला जाए बर्बादी में आवाजे जब सूख जाए तो ठीक है। पहली 12 घंटा हो गया हम अब एक का कर दो ये चाची दीदी पहले बढ़िया लगे बैठो दीदी देखा छान फैला रंग कितना अच्छा सूख गवा ना। हाँ बहनी और यका छाए हम कहे सुखवावत हो और बहनी दस्तनवा कहे पहरे हो इका छाए में लिए सुखवा जात है कि मैं जोन जीवाण हुआ थी धूप में मर जाती। अच्छा छाए में नहीं इके जीवाण मरते नहीं ठीक है। और दस्ताना ये लिए पहरे हैं इमा ट्राइकोडर्मा मिलावा जे। अच्छा। तो थोड़ा जहरीली हुआ था। हाँ। हाथे के नुकसान करे थे तो ये लिए पहन लिया ना है। ठीक है दीदी अभी का ऐसे बटवर लेंगे वैसे मटका में धाई लेंगे जैसे राजो भी हम कल्चर मिलावा रहा। हाँ। वैसे ट्राइकोडर्मा मिला के दीदी अभी मैं 16 ग्राम ट्राइकोडर्मा डाला जे। अच्छा 4 चम्मच डाल दिए बस 16 ग्राम हो जे। हाँ। बंद करके और फिर वैसे हिलावा जे देखो दीदी एक परत ट्राइकोडर्मा बीज पे चढ़ गया है। हाँ बहनी बढ़िया चढ़ गया है अभी का हम बोरा पे फैला देवे। ठीक है देखो दीदी ट्राइकोडर्मा बढ़िया चढ़ गया है ना। हाँ। अभी का जूट के बोरे पहले रखा जाता है यही रख के तो बुआई करा जाता है। ठीक पन्नी वन्नी में नहीं रखा जाता है। हाँ। बहनी अमन ट्राइकोडर्मा का है छोड़ा जाता है दीदी मैं ट्राइकोडर्मा यही लिए मिलाओ जाता है हमारे बीज स्वस्थ रहे पौधा अच्छा रहे इनका जमाव अच्छा हुआ था इमा कोनो रोग नहीं लगता है। अच्छा जैसे बचपन में बच्चन का टीकाकरण कई दिन जाते है। हाँ। तो बीमार नहीं होते स्वस्थ रहती वैसे हम ट्राइकोडर्मा से अपने बीज का टीकाकरण कई दे है अभी स्वस्थ है इमा कोनो रोग न लगा। अच्छा बहनी अब यहाँ चलो हमें बुवाई करके बता दियो। हाँ दीदी चलो बुवाई करके बता दी थे ये सामान ले चलो जो हम लागे बुवाई करेगा। दीदी बुवाई करे में जो सामान लागत है वो का हम आपका दिखा जाए थे जैसे शोधित करा हुआ बीज। हाँ। और 25 सेंटीमीटर मतलब लाइन से लाइन के दूरी नपकता है कैड़ा। हाँ। और 15 सेंटीमीटर का निशान लगी हुई रस्सी। हाँ। और ये डूठी कैड़ा दोनों कोने खूंटी गाड़े के लिए। हाँ। एक ठीक खुरपी बुआई करता है इतना सामान बुआई करे लागे। देखो दीदी ऐसे पहले खूंटी बढ़िया मजबूत के गाड़ दी जाते है। हाँ। कई खूटी वही मेढक किनारे गाड़ दी जाते दीदी गाड़ दिया। हाँ। अभी जोन निशान लगी रस्सी है ना। हाँ। इमा 15 से 15 पे निशान लाग बाए। हाँ। यही 15-15 सेंटीमीटर के दूरी पे बीज बोवा जे। अच्छा दीदी जोनी हम खूटी गाड़े है। हाँ। मेढ से थोड़ा छोड़ के गाड़ा जाते। अच्छा
और हम अभी तुका बीच से बीच के दूरी बताए है ना, लाइन से लाइन के बाद में बताओ वो जोन 25 सेंटीमीटर रहा थे। पहले ऐसे 4 से 5 सेंटीमीटर पे गहरान पे ऐसे दुई बिया बोआ जाते है मसूर के, जहाँ जहाँ निशान ला दे ना वही मेन ऐसे बोआ जाता है दो बिया। एक लाइन पूरा हो जाए तो दूसर की लाइन हो के फिर दिखाई। एक लाइन दीदी हो गए, अब दूसर की लाइन आपका बताया जाए थे। दूसर की लाइन 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसे फिन गाड़ देंगे। ठीक, दीदी ऐसे ही माँ दुई दुई बिया डाला जाते है। अच्छा, बवाई कहे से कौन कौन लाभ मिलत है दीदी? जो हमका हम आपका बुए के बताया है इसका श्री विधि कहा थी। अच्छा। और श्री विधि से बुआई करे में बिया कम लागत है। हाँ। बीज यानी कम लागत है। हाँ। और ये अन्य फसलों की अपेक्षा महंगा भी कहते है। और मसूर के पौधा मिट्टी का उपजाऊ बनावत है। हाँ। मैंने जौन बतायू है एका कौन कौन चीज ध्यान में रखना चाहिए? हाँ दीदी, मके बहुत जरूरी बात ऐसा है जौन की बहुत ध्यान में रखब जरूरी बा। जैसे लाइन से लाइन 25 सेंटीमीटर रखे। हाँ। और पौधा से पौधा के बीच से बीच के जौन बोआई हुआ थे। हाँ। उका 15 सेंटीमीटर पे बहुत है। और राजो भी हम कल्चर से जब चार कराए तो उसका छायन में सुखाए, धूप में ना सुखाए। ठीक है, नहीं उम्मा के जो तत्व रहते पूरा मर जाते। ठीक है। और दीदी बीज उपचारित कैके ही बोआई करे और उसका बीज शोधन कैके तब भी बोआई कराए, बिना उपचारित बीज नहीं। ठीक है, हम सब देखे हैं, सब जैसे देखे वैसे सब करब। अच्छा दीदी, अब बहनी जैसे बतायो है वैसे हम अपने खेते में बोब और अपने आरो बगल वाले का बो के बताओ और बहुत अच्छा बताओ बहनी। धन्यवाद धन्यवाद।